हेलो एवरीवन, यू वेलकम हियर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट इसको स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को, सारे कंसेप्ट को वन बाई वन करके स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, वीडियो को बिना स्किप यू देखें ताकि अच्छे तरह से आप समझ सकें, ठीक है। तो पहला जो है पॉइंट है कि वॉट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है, क्योंकि क्योंकि चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट, है ना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लर्न करनी है, हमें राइट भी करी की हुई है। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाई अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, यानी कि वो प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जिससे कि एनर्जी मिलती है फूड की, फूड को यूटिलाइज करने की वो प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सिंपली थिंग, जैसे कि हम लोग फूड खाते हैं, ठीक है। अब जब फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी में फूड से जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स जो कि हमें वर्क करने के लिए जरूरी होते हैं, ये निकाली जाते हैं। तो बस यही निकालने की प्रोसेस ही न्यूट्रिशन कहलाती है। हम वी कैन से कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय विच बॉडी यूटिलाइज, है ना, फॉर टू टू ग्रो और टू रिपेयर बॉडी। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो भी हमें प्रोसेस होती है फूड के साथ हमारी बॉडी में, तो वही न्यूट्रिशन है। और ये प्लांट में भी होती है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में ही होती है, ठीक है। तो इसको अब न्यूट्रिशन वर्ड से, न्यूट्रिएंट से आया है, न्यूट्रिशन वर्ड से बना न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो कंपोनेंट ऑफ फूड्स, कंपोनेंट्स ऑफ फूड आपको पता ही है, कंपोनेंट ऑफ फूड्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए एनर्जी देते हैं, विच प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। सिंपल, अगर कोई पूछता है, अगर क्वेश्चन आया कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, तो आप कह सकते हैं द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स, है ना, विच प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। एक्चुअली ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर ये नहीं हो तो क्या होगा कि हम जो है ना ही हमारे पास एनर्जी होगी चलने के लिए, ना हमारी ग्रोथ होगी और ना ही जो है हम कुछ कर पाएंगे, यानी बॉडी हमारी जो है एक दिन डेड हो जाएगी अगर ये न्यूट्रिएंट्स हमें ना मिले, ठीक है। आप खुद देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 2 दिन खाना मत खाइएगा, पता लग जाएगा कि हमारी बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है। तो देखिए मोड ऑफ, अगला टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के क्या क्या मोड होते हैं, पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड, और दूसरा है हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। दो ही तरह से न्यूट्रिशन लिया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। एक मोड होता है ऑटोट्रॉफ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी जो सेल्फ नरिशमेंट, नरिशमेंट यानी पोषण करना, पालना, खुद को अपने आप से पालना, यही जो है न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉफ। इसका डिफिनेशन इस तरह से हो सकती है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देम सेल्फ, जिनमें जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं, खुद से अपने आप से ही बनाते हैं, उस मोड को ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, ठीक है। और हेटरोट्रॉफिक जो खुद जो बनाए हुए, जो खुद बना हुआ जो है इनका, इन पर डिपेंड होते हैं जो, है ना, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफ पर डिपेंड होते हैं, वो हेटरोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड को फॉलो करते हैं। जैसे कि इसके इंग्लिश में डेफिनेशन होगी, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक रेडीमेड फूड, है ना, उस मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म रेडीमेड फूड लेते हैं, बना बनाया मिल जाता है उनको, तो इस मोड को हेटरोट्रॉफिक मोड कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए हेटरोट्रॉफ का मतलब मीनिंग भी दिया है, हेटरो का मतलब अदर, दूसरे पर डिपेंड होना, और ट्रॉप्स का मतलब भाई नरिशमेंट। बाकी जो है हेटरोट्रॉप्स कौन कहलाते हैं, हेटरोट्रॉप्स वो एनिमल्स और कुछ ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं जो अपने फूड के लिए, अपनी एनर्जी लेने के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं, अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। इसमें हम लोग भी आते हैं, हम लोग भी दूसरों पर ही डिपेंड है, यानी हम प्लांट्स पर डिपेंड है पूरी तरह से, ठीक है। वो सारी चीज़ें आगे क्लियर हो जाएंगी। और ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स कहलाते हैं, जो भी ग्रीन प्लांट्स अपना जो खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं अपना फूड, उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स जो है ऑटोट्रॉफिक मोड को फॉलो करते हैं, और एनिमल्स यानी कि हेटरोट्रॉप्स हेटरोट्रॉफिक मोड को फॉलो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने मोड पढ़े कि 2 मोड्स होते हैं न्यूट्रिशंस के, एक होता है ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा होता है हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। तो प्लांट्स जो होते हैं मोस्टली प्लांट, कुछ प्लांट्स को छोड़कर, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स का मतलब अपना भोजन, अपना फूड खुद बनाते हैं। तो खुद कैसे करके बनाते हैं, एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, जिसको हम फूड मेकिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए जो भी प्लांट्स के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल जो खाना बनाने की ज़रूरत होती है, जैसे कि हम अपना खाना बनाते हैं,
तो उसमें पानी और मिर्च मसाले सब्जी वगैरह ये सब मिला मिक्स करके और पका लेते हैं, कुकिंग करते हैं हम लोग, कुकिंग करते हैं ठीक है, कुक करते हैं, लेकिन प्लांट अपना प्रिपेयर करते हैं। तो वो रॉ मटेरियल जो होता है वो सब एटमॉस्फेयर में ही अवेलेबल होता है ना, और एटमॉस्फेयर जो जहाँ भी प्लांट है उसके आसपास सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो उनसे वो अपना फूड बनाते हैं बाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, इसका डेफिनेशन यहाँ पे है, द प्रोसेस बाई विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाई यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो वो प्रोसेस जिससे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का सनलाइट में यूज करते हुए क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड तैयार करते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस इसलिए कहते हैं कि फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, तो सन की जब लाइट पड़ती है, और सिंथेसिस का मतलब होता है तैयार करना, लाइट से तैयार करना। एक तरह से प्लांट्स क्या होते हैं, सन की जो सनलाइट है उसको कैप्चर कर लेते हैं एज क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है इसमें प्लांट्स में वो सनलाइट को कैप्चर करता है, ठीक है। बाकी कुछ और पॉइंट पढ़ लें तभी डायग्राम में समझते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस होती है। हाँ, इसको हम इक्वेशन के रूप में भी राइट कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये चार चीज़ जरूरी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन चारों चीज़ों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन इस इक्वेशन की फॉर्म राइट कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स इज अ काइंड ऑफ फूड फॉर प्लांट्स, एंड ऑक्सीजन है वो हम लोगों के लिए प्रोड्यूस कर देते हैं, प्लांट्स दे देते हैं, रिलीज कर देते हैं। CO2+ को ऐसे भी राइट कर, CO2+ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लस क्लोरोफिल इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट्स प्लस O2, ठीक है। अब देखिए क्या क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ये सारे ये पॉइंट यहाँ पे राइट किए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको हम समझ लें वन बाई वन करके। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स, हाँ, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, लीव्स में होती है, पत्ती में होती है, कुछ प्लांट्स को छोड़कर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कैक्टस वगैरह, जिनका जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट होता है, जहाँ जहाँ उनमें क्लोरोफिल होती है, वहाँ वहाँ ये प्रोसेस हो जाती है, लेकिन मोस्टली प्लांट में ये प्रोसेस लीव्स में ही होती है। और क्या है, ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग इट विच इज यूटिलाइज बाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। तो ये प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस की जाती है जो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है। ऑक्सीजन अगर हम 2 मिनट भी ना लें, 2 मिनट भी सांस ना लें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन अंदर ना ले जाएं तो वी विल बी डेड, है ना। तो जितने भी हैं हमारी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म सबके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। तो वो कहाँ से हमें मिलती है, प्लांट से। प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सन ही है वो सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब सन सन पर ही डिपेंड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। जैसे आप प्लांट्स जो हैं लिविंग में जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, वो डायरेक्ट सन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और हम लोग इनडायरेक्टली भी, और एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म जिनकी जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, जो हम जो लोग जो प्लांट्स पर डिपेंड हैं तो वो भी इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड हैं, सन पर, है ना, क्योंकि सन ही हमें सारी चीज़ें दे रहा है। आगे है, दिस प्रोसेस फर्स्ट प्रोड्यूसेस अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहले इसमें सिंपल जो है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होता है, कॉल्ड ग्लूकोज, इसको हम ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स जहाँ पे प्रोड्यूस होता है इसको हम ग्लूकोज कहते हैं एज फूड। और ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इंटू कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम स्टार्च कहते हैं, और स्टार्च गेट स्टोर्ड एज फूड इन द वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग लीव्स। और जो स्टार्च है वो सभी पूरे प्लांट्स में, पूरे सभी पार्ट्स में प्लांट्स के स्टोर हो जाता है एज फूड, और लीव्स में भी स्टोर हो जाता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, तो इसी जब फोटोसिंथेसिस लीव्स में होती है इसलिए ही लीव्स को प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है। और इसमें जो क्लोरोफिल की बात हो रही है, तो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स, ठीक है। अब हम डायग्राम से समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस किस तरह से होती है, किस तरह जो है ये प्रोसेस हो जाती है, क्या क्या होता है इसमें। तो होता क्या है, देखिए यहाँ से जो सनलाइट कैप्चर करती है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होती है, ठीक है, सनलाइट क्लोरोफिल कैप्चर कर लेती है एज एनर्जी, सोलर एनर्जी के रूप में, और जो इसका वो होता है सराउंडिंग, उससे ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड
अंदर ले जाती है और बाहर को ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर लेती है। यहाँ से ये H2O यानी वाटर प्लस मिनरल्स, वाटर के साथ जो भी मिनरल्स जरूरत जरूरत होती है पेड़ को, वो यहाँ से रूट्स के थ्रू वेसल्स होते हैं स्टेम में और रूट्स में पूरे में सभी में पाइप की तरह लगे हुए, तो यहाँ से ये जाता है हर जगह, ब्रांचेस में भी जाता है और ब्रांचेस से होते हुए ये लीव्स में जाता है। ठीक है, तो वाटर और मिनरल यहाँ से लेता है प्लांट, और सनलाइट यहाँ से लेता है सन से, और कार्बन डाइऑक्साइड अपने एटमॉस्फेयर से लेता है, यानी सारी चीज़ें उससे वहीं बैठे बैठे वहीं खड़े खड़े जहाँ पे प्लांट लगा हुआ है वहीं मिल गई। अब ये सारी चीज़ें जो इकट्ठी हुई तब जो है फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो गया। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल होना ज़रूरी है। किसी एक की भी अब्सेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो ही नहीं सकती, और जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती तो प्लांट जो है डेड हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है कैसे लेते हैं ये CO2 और ओ लेते हैं अंदर, और O2 मतलब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं कैसे करके, तो इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स लीव्स में, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, हम ऐसे नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है उसको। हम बोलते हैं इन पोर्स को स्टोमेटा, स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा और स्मॉल पोर्स इन द लीव्स। तो स्टोमेटा का अगर हम जो है ये बड़ा सा फिगर बनाएं माइक्रोस्कोप से तो ऐसा बनेगा, ये यहाँ पे स्मॉल पोर है, स्टोमेटा है ये, मतलब ये एक जो है गार्ड सेल से कवर्ड होता है, गार्ड सेल से चारों तरफ होता है इसके, और यहाँ से ये ओपन होता है, ठीक है, स्टोमेटल ओपनिंग। तो ये स्टोमेटा जो इस है स्मॉल टाइनी पोर्स हैं, इन्हीं की थ्रू CO2 को जो है प्लांट्स ऑब्जर्व कर लेता है। आपको पता है CO2 जो है हम लोगों के एटमॉस्फेयर में है ही, है ना, तो CO2 को ऑब्जर्व करता है कहाँ से, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, और सनलाइट को भी जो क्लोरोफिल है वो कैप्चर कर लेती है। बाकी H2O यानी वाटर और मिनरल्स यहाँ जो बेसल्स होती हैं पाइप की तरह, उनसे होते हुए पत्तियों में पहुंच जाता है, तो यहाँ पत्तियों में सारी चीज़ें रॉ मटेरियल कलेक्ट हो जाती हैं, और सब कलेक्ट होकर फोटोसिंथेसिस होने पर हमें इन प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो जाता है। ये दो चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो ऑक्सीजन जो है प्लांट्स हमारे लिए अवेलेबल करा लेते हैं, यानी कि जितने और हम लोग और जो भी एनिमल्स हैं वो सभी के लिए, और कार्बोहाइड्रेट्स और जो है बाकी कुछ अदर जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं जैसे कि फैट्स और विटामिन्स वगैरह, वो अपने लिए भी कलेक्ट करके रख लेता है। ओके डियर, आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो अब तक हमें पता लगा कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में अपना फूड तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब इस कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है प्लांट्स को, वो देखिए यहाँ पे हम सीखेंगे। तो अभी हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस चीज़ से कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं। तो प्लांट्स को इनके अलावा अदर अदर प्रोटीन्स और फैट्स की भी ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं कि खाली कार्बोहाइड्रेट से ही प्लांट जीवित रह रहे हैं या उन्हीं से बहुत सारी ग्रोथ कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें भी ज़रूरत होती हैं, अदर कंपोनेंट्स भी ज़रूरत होते हैं प्लांट्स को। अब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ करके ही प्लांट्स दूसरे कंपोनेंट्स तैयार कर लेते हैं जैसे कि फैट्स, प्रोटीन। लेकिन क्या होता है कि प्रोटीन्स जो है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है ना, जो कि नाइट्रोजन से कंटेन किया जाता है, और वी नो कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसमें नाइट्रोजन है, बट प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व दैट। प्लांट एयर जो है अवस्था है, एयर फॉर्म है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको प्लांट ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते हैं। तो होता है क्या है कि यह है देखिए, प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, और बैक्टीरिया होते हैं सोयल में, सोयल में मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं, वो जो एयर में नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक सोल्यूबल फॉर्म में, ठीक है, और इसको सोयल में रिलीज कर देते हैं। तब क्या होता है, प्लांट वाटर के साथ में इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, जब वाटर रूट से जाता है उसी के साथ साथ नाइट्रोजन भी फोटोसिंथेसिस के लिए लीव्स में चली जाती है। तो इस तरह से प्लांट्स अपने जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लेते हैं वाटर के साथ साथ में, जो कि अदर कंपोनेंट्स हैं उन उनके साथ में नाइट्रोजन की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते हैं। अब दूसरा एक बॉक्स है आपकी बुक में दिया हुआ है सेल्स के बारे में, ठीक है, तो सेल्स के बारे में थोड़ा सा समझ लें। सेल एक्चुअली जैसे कि हम लोगों ने देखा हमारी जो बिल्डिंग है, हमारा घर बना हुआ होता है, वो छोटी छोटी ब्रिक्स से बना हुआ होता है, ईंटों से, और एक बड़ा सा घर बन जाता है। तो इसी तरह से हम लोगों की बॉडी और लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उन लोगों की बॉडी सेल से बनी होती है। तो वी कैन से दैट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ
तो बॉडी इज कॉल्ड सेल्स, है ना। यहाँ पे राइट क्या हो, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो सेल होता है। उसी से बहुत सारी सेल्स से मिलकर करोड़ों कई जो है मिलियंस बिलियंस जो है सेल्स को मिलाकर हमारी बॉडी बनी हुई है, ठीक है। तो ये सेल्स इतनी छोटा होता है कि हम उससे खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो माइक्रोस्कोप से ये इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सेल का, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। तो एक सेल में क्या होता है, यहाँ पे ये वाला जो है जो सब्सटेंस है ये जेली टाइप का होता है, लिक्विड होता है जेली, ठीक है। इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और जो अंदर रेस के सेल के अंदर इधर भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, स्फेरिकल बॉल होती है, स्फेरिकल बॉल, ठीक है। तो उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और उसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है, सेल के चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली होती है, बाउंड्री कह सकते हैं हम बाउंड्री सेल की, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा रहा सेल के बारे में जो आपकी बुक में दिया गया था वो। अब देखिए कुछ ऐसी लीव्स भी होती हैं प्लांट्स की जो ग्रीन नहीं होती हैं, है ना। अभी तक हमने पढ़ा कि जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की वो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन दिखाई देती हैं, क्लोरोफिल ग्रीन होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स हमने ऐसे भी देखे हैं अपने आसपास कि जिनकी लीव्स ग्रीन ही नहीं होती हैं, वो कभी ब्राउन कलर की होती हैं, येलो कलर की, या फिर ब्लैक कलर की हो सकती हैं, या कोई दूसरे कलर की भी हो सकती हैं। तब क्या होता है, उनमें क्या होता है, द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, यानी कि जो लीव्स दूसरे कलर की होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है, और वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करती हैं। लेकिन होता क्या है, वो हमें ग्रीन दिखाई क्यों नहीं देती हैं, क्लोरोफिल उसमें हमें दिखाई क्यों नहीं देता है, बिकॉज बहुत सारी अमाउंट उनमें रेड ब्राउन रेड कलर की या फिर ब्राउन कलर की होती है, या फिर दूसरे किसी कलर का पिगमेंट होता है, वो क्लोरोफिल को मास्क किए रहता है, यानी ढके रहता है। इस वजह से हमें वो लीव्स दूसरे कलर की दिखाई देती हैं, लेकिन उसमें भी क्लोरोफिल होता है, और वो भी फोटोसिंथेसिस उनमें भी होता है, वो भी अपना फूल खुद ही तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा हमने और जो है जैसे जो ग्रीन कलर की सीलन वाली जगह में हम देखते हैं कि जो अलगाए वगैरह होते हैं, काई बोलते हैं जिसको, शैवाल बोलते हैं, तो वो हम पॉन्ड्स में भी देख सकते हैं, ऊपर जो है वाटर के ऊपर होती है, और कहीं नमी नमी वाली जगह है उसमें भी ये उगाती है अलगाए, तो उसमें वो भी क्लोरोफिल होता है, उसमें भी क्लोरोफिल होता है, वो भी अपना फूड खुद ही तैयार कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ अदर मोड्स भी होते हैं, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी प्लांट फॉलो करते हैं, वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। देखिए सम प्लांट्स यूज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सच एज कसकटा अमरबेल, यू मे लुक इन फिगर। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि हेटरोट्रॉफिक मोड को फॉलो करते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कसकटा है ये, इसको अमरबेल भी कहते हैं, ये दूसरे ट्री पर क्लाइंब कर गया है, इसकी रूट नहीं होती कहीं, येलो कलर का दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर में देखिएगा। तो इस है क्या ये कि ये अपना फूड ये जो ट्री है इसी से ले लेता है, ठीक है। तो जो ट्री इसको चढ़ाए हुए है जिसके ऊपर ये है उस ट्री को हम होस्ट कहेंगे, और ऐसे ऐसे प्लांट को हम कहते हैं पैरासाइट, जो कि दूसरे का फूड खा लेता है, खुद ले लेता है, ठीक है। हम लोग भी पैरासाइट ही हैं एक तरह से, क्योंकि हम लोग भी प्लांट पर डिपेंड हैं, दूसरे पर डिपेंड हैं। तो यहाँ पर देखिए होस्ट बर्ड आया है और पैरासाइट बर्ड आया है, ठीक है। तो इनको समझ लीजिएगा, तो ये होता है कसकटा जो प्लांट है उसमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है, येलो कलर का होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये रेडीमेड फूड लेता है, जिस पर भी ये क्लाइंब किया हुआ होता है इसके ऊपर ये होता है उसी से ये अपना फूड ले लेता है। अभी मैंने बताया था होस्ट क्या होता है, द प्लांट ऑन विच कसकटा क्लाइंब्स, यानी कि जो प्लांट जिस पर भी क्लाइंब करता है वो उसको होस्ट कहेंगे उस ट्री को, और पैरासाइट वो कसकटा प्लांट खुद ही है क्योंकि वो दूसरे से फूड ले रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं इसको, द प्लांट विच टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम अदर प्लांट, ठीक है, तो उसको पैरासाइट बोलते हैं। और होता है इंसेक्टिवोरस, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन भी होते हैं उसके साथ साथ इंसेक्ट को भी हजम कर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, जैसे कि पिचर प्लांट, इसका आप फिगर देखिएगा, इसमें जो है पिचर जैसा एक इसका मॉडिफाइड लीव है बनी हुई, ठीक है। तो इसमें हेयर होते हैं कोई भी, जैसे कि ये इस तरह का है और इसमें अंदर यहाँ इधर को नीचे को गए हुए इस तरह के हेयर होते हैं, है ना। तो कोई भी जब इंसेक्ट चाहता है इसमें, तो ये हेयर यहाँ से जो है नीचे को चले जाते हैं, फिर ये बंद हो जाते हैं और वो इसमें ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। ऊपर से इसमें एक ढक्कन लगा हुआ होता है और ये ढक्कन क्लोज हो जाता है, फिर इसमें जो है डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं, इस
पिचर में डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं, और रिलीज होने के बाद उसको प्लांट जो 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 इंसेक्ट उसमें गया हुआ होता है, प्लांट इसको डाइजेस्ट कर जाता है, और इस तरह से वो अपने जो कि रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो ले लेता है। तो हो सकता है कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो ग्रीन भी हैं लेकिन इंसेक्टिवोरस भी होते हैं, यानी कि वो अपना जो है क्लोरोफिल से कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी बनाते हैं, लेकिन ज़रूरत ज़रूरी चीज़ें जो रह जाती हैं वो अपना इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके कंप्लीट कर लेते हैं, फुलफिल कर लेते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, ठीक है, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, जैसे कि पिचर प्लांट का। अब देखिए नेक्स्ट एक मोड और है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक मोड क्या होता है? तो इस मोड में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को सॉल्युबल फॉर्म में डेड और डिकिंग मैटर से ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी जगह होती हैं बरसात रेनी सीजन में कि जहाँ पे कुछ चीज़ें उगाती हैं, जैसे अम्ब्रेला टाइप है ना, और मशरूम भी देखा होगा। तो ये चीज़ें जो हैं ऐसे मटेरियल पर, जैसे कि कोई लकड़ी पड़ी हुई है और वो रेनी रेनी हो रही कंटिन्यू, तो उस पर कुछ ना कुछ उगाएगा, ठीक है। कुछ सड़ी गली चीज़ें जैसे कि प्लांट्स की कोई लीव्स वगैरह हैं तो उस पर आ जाएगा। तो ये उस जो प्लांट्स जो सड़ा गला चीज़ है या फिर जो ख़राब चीज़ है, डेड एंड डिकेड चीज़ है, उसी को उसी से ये अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, और इसका अपना इसमें फोटोसिंथेसिस वगैरह की प्रोसेस नहीं होती है। तो ये वाला मोड कहा जाता है सेप्रोट्रॉफिक मोड। एक बार फिर से समझ लें इसको, डेफिनेशन इसकी, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकिंग मैटर्स इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक मोड। अब जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस मोड को यूज़ करते हैं, जो इस मोड को यूज़ करते हैं, सेप्रोट्रॉफिक मोड को यूज़ करते हैं, उनको हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं, जैसे कि फंगाई, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फंगाई देख लें, और आपके बुक में जो है एग्जाम्पल है ब्रेड है, ब्रेड को आप जो है 2-3 दिनों के लिए ऐसी जगह पर रख दीजिए जो कि जो नमी हो जिसमें, है ना, जो सीलनदार जगह हो, तो उस पर देखना है आप जो है ब्राउन करके फंगाई वो निकल आएगा, ठीक है। तो फंगाई इस तरह से अपना जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व कर लेती है डेड और डिकिंग मैटर से। अब और एक मोड है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये होता है कि जब दो डिफरेंट काइंड के पार्टनर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, तब ये सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। जैसे कि यहाँ पढ़ लीजिए इसको, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। वो क्या शेयर कर लेते हैं? शेल्टर या न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं और साथ साथ रहते हैं। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एग्जाम्पल देख लीजिए, सर्टेन कुछ फंगाई होते हैं जो कुछ ट्री की रूट्स में रहते हैं, ठीक है। तो ट्री उनको न्यूट्रिएंट्स देता है फंगाई को, और बदले में ट्री क्या लेता है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स ऊपर लाने के लिए हेल्प लेता है, मतलब वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने के लिए फंगाई से हेल्प लेता है। कहाँ से? मिट्टी से। मिट्टी से फंगाई से क्या हेल्प लेता है? वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करने में। और फंगाई और अलगाए भी हो सकते हैं, ठीक है। अलगाए जो है शैवाल वगैरह से काई कहते हैं, और फंगाई तो आप अभी समझ बताया ही था ये। तो फंगाई के पास क्या होता है? फंगाई और अलगाई भी साथ साथ रह सकते हैं, रहते हैं। फंगाई के पास होता है शेल्टर होता है, वाटर होता है, और मिनरल्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ जो है अलगाए को दे देता है, और अलगाए बदले में इनको, क्योंकि अलगाए के पास क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, उनके पास खाना होता है, तो अलगाए इन फंगाई को फूड दे देता है। तो इस तरह से ये साथ साथ दोनों चलते रहते हैं, इनका जो है लाइफ चलता रहता है। ओके, तो डियर हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है, हाउ न्यूट्रिएंट्स रिप्लेस्ड इन द सोयल। रिप्लेस्ड का मतलब होता है फुलफिल, मतलब न्यूट्रिएंट्स किस तरह से फुलफिल किए जाते हैं सोयल में। जैसे हम लोग देखते हैं जब हमारे यहाँ क्रॉप उगाई जाती हैं, फसलें उगाई जाती हैं, तो बहुत प्लांट बहुत सारे होते हैं उसमें, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है ना। तो वो जब हार्वेस्टिंग होती है तो प्लांट उस समय हमारे सोयल जो होती है उसमें कुछ रहता ही नहीं है, मतलब न्यूट्रिएंट्स रहते नहीं पूरी मात्रा में। तो अगर हम उस पर अगली फसल कर देंगे और न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड नहीं करेंगे, तब क्या होगा? वो ठीक से होगी नहीं। सो दैट इसको रिप्लेस करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स और मैन्यूअर्स को सोयल में ऐड करना पड़ता है। आपने देखा होगा फार्मर्स अपनी क्रॉप में जो है फर्टिलाइजर्स बोते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स या मैन्यूअर्स बोते हैं,
उसमें फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, उसमें मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये फुलफिल हो जाती है। अब है क्या, एक बैक्टीरिया होता है राइजोबीम नाम का, ठीक है, जिसको राइजोबीम कहते हैं। तो ये जो हवा में कार्बन होती है, सॉरी नाइट्रोजन होती है, उसको कन्वर्ट करता है सॉल्यूबल फॉर्म में, पहले भी बताया था ये, तो सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये बैक्टीरिया केवल लिग्मेनस प्लांट में ही रहता है। लिग्मेनस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जैसे कि दालों वगैरह के प्लांट, जो फलियाँ होती हैं जिन पर, ठीक है। तो अब वो सारे प्लांट तो वही नहीं उगाए जा सकते, पूरी जितनी भी हम लोगों की ज़मीन है, लैंड है, सोयल है, हम लोगों को बदल बदल उगानी पड़ेगी। तो केवल लेगमाइनस प्लांट है, इनमें तो हमें अलग से मैन्योर और फर्टिलाइजर्स लगाने की ज़रूरत, ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें राइजियम नामक बैक्टीरियम रहता है जो हवा से ही नाइट्रोजन ले लेता है, उसको सोल्यूबल फॉर्म में रिलीज कर देता है सोयल में, और वो प्लांट सोयल से वाटर के साथ उस न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं, नाइट्रोजन को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है डियर। तो ये था टॉपिक आज का, आई थिंक इट इज़ क्लियर यू। और अब जो है एक्सरसाइज रहेगी, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।